हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे अर्थ परिवर्तन के कारण यानी कि रीजंस ऑफ चेंज ऑफ मीनिंग। किसी भी शब्द का अर्थ भाव प्रदर्शन का एक काल्पनिक तथा सांकेतिक माध्यम होता है। ये भाव पूर्णतः मन से संबंधित होता है, अतः मन की विविध अवस्थाओं के अनुसार राग, द्वेष, घृणा आदि आवेशजन्य शब्दों के अर्थों में भी अंतर पाया जाता है। ये अर्थभेद प्रारंभ में तो व्यक्तिगत होता है, किंतु आगे चलकर समाज द्वारा अनुकरण किए जाने पर भाषा का अंग बन जाता है। इस प्रकार भाषागत अर्थ परिवर्तन की संपूर्ण प्रक्रिया मनोवैज्ञानिक है यानी कि साइकोलॉजिकल है। संस्कृत काव्यशास्त्री विद्वानों में आचार्य मम्मट, आचार्य विश्वनाथ, कविराज, पंडित जगन्नाथ आदि ने अर्थ परिवर्तन के कारण के रूप में लक्षणा और व्यंजना नामक शब्द शक्तियों का अत्यंत सूक्ष्म विवेचन किया है। प्रायः सभी कारणों का इन्हीं दोनों शब्द शक्तियों के अंतर्गत समाहार देखा जाता है। फिर भी अध्ययन सौकर्य की दृष्टि से अर्थ परिवर्तन के 24 कारणों को या फिर कारणों को 24 वर्गों में विभक्त किया गया है, किंतु कुछ विद्वान इन्हें 12 कारणों को ही मानते हैं, जिसमें पहला है राष्ट्रीय जातीय मनोभाव। यहाँ पर जो है कुछ शब्दों का जातीय और राष्ट्रीय मनोभाव से ग्रसित होकर प्रयोग करने लगते हैं। जैसे अच्छे शब्दों का प्रयोग बुरे शब्दों में भी अर्थों में प्रयोग करने लगते हैं। जैसे बुद्ध का अर्थ मूर्ख लगा लेते हैं, हिंदू का अर्थ नीचे काफिर लगा लेते हैं। तो इस प्रकार से कुछ शब्द ऐसे हो जाते हैं कि जिनसे जातीय और धार्मिक तथ्य प्रकट होते हैं। सदस्य, कभी कभी सदस्य के कारण शब्दों के अर्थों में अंतर पाया जाता है। जैसे प्रश्न, प्रेम का आश्रय अर्थ में प्रयोग, अनुकोश, दया का आक्रोश, क्रोध अर्थ में तथा उत्क्रांति, मृत्यु का क्रांति के अर्थ में प्रयोग मिलता है। अब हम देखेंगे सहचर्य। सहचर्य के कारण भी कभी कभी शब्दों के अर्थों में परिवर्तन देखा जाता है। जैसे सिंधु नदी के किनारे रहने वाले आदि लोग सिंधु के सहचर्य के कारण सिंधु कहे जाने लगे। जिंद अवेस्ता में सकार ध्वनि न होने के कारण सा को हा कहा जाता है, अतः सिंधु को लोग हिंदू कहे जाने लगे। इसी प्रकार अंग, बंग, कलिंग, कंबोज, पांचाल, द्रविण आदि शब्द देश के साथ साथ उस देश के निवासी व्यक्तियों के भी बोधक हैं। अब हम देखेंगे भावात्मक बल। कभी कभी भावात्मक बल देने से शब्दों के अर्थों में अंतर आ जाता है। जैसे सरसता, मनमोहकता आदि के लिए मिठाइयों के नाम रसगुल्ला, संदेश, खीर, खीर कदम, खीर मोहन, मोहन प्रिय, सीता प्रिय आदि। भावोद्बोधन के लिए कद्दू को सीताफुल, सीताफल, तोरई को राम तोरई, नमक को राम रस इत्यादि। इस प्रकार पवित्रता भावोद्बोधन के लिए प्रयाग शब्द के योग से कर्ण प्रयाग, देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, विष्णु प्रयाग इत्यादि। गंगा शब्द के योग से राम गंगा, विष्णु गंगा, लक्ष्मण गंगा, बाण गंगा इत्यादि। इसी प्रकार आधिक्य प्रदर्शन के लिए प्रचंड उत्साह, भीषण गर्मी, अतिउष्ण, प्रचंड मूर्ख तथा प्रचंड प्रताप इत्यादि शब्द कहे जाने लगे। कभी कभी तो भावात्मक बलों का इतना अधिक प्रभाव पड़ता है कि शब्दों का अर्थ ही बदल जाता है। जैसे राम राम, हरे हरे, घृणार्थ में, प्रमादिक्य में पति को राजा, पत्नी को रानी, भाई को भैया, पुत्र को बाबू इत्यादि कहा जाने लगता है। अब हम देखेंगे बलापसरण। शब्दगत किसी ध्वनि से बल या बलाधान को हटा देने से वह ध्वनि निर्बल हो जाती है। कभी कभी उसका लोप भी हो जाता है। इससे मुख्य अर्थ में अंतर आ जाता है। जैसे उपाध्याय, ओझा, तो झाड़ फूक करने वाला या कान फूकने वाला ओझा कहा जाने लगा। इसी प्रकार गोस्वामी से गोसाई, साधु या मान्य, पोंगव से बैल या श्रेष्ठ, से पोंगा, गंवार या पंडित, युत्सु से लड़ने का इच्छुक से जुजुत्सुहु यानी कि जापानी कुश्ती, वज्रवधु ब्रह्मचारी से वज्रवट्टू यानी कि मूर्ख इत्यादि। अब हम देखेंगे 6th पॉइंट पर, यहाँ पर प्रयोगाधिक्य। प्रयोगाधिक्य के कारण भी कुछ शब्द अपने मूल अर्थ को खो बैठते हैं। जैसे श्रीमान, श्रीयुत, श्रीयुत, महाजन, महोदय, महात्मा, महाशय, महाराज इत्यादि का प्रयोग भी सर्वसाधारण के लिए देखा जाता है। अब हम देखेंगे गौण अर्थ की मुख्यता। कभी कभी साहचर्य आदि कुछ
विशिष्ट कारणों से गौण अर्थ भी मुख्य अर्थ में प्रयुक्त होने लगता है, जैसे यमन देश के आधार पर यवन मुसलमान, असीरिया देश के आधार पर असुर असीरियन, सिंधु प्रांत में पैदा होने के कारण सैंधव, सुलेमान पर्वत पर होने के से सुलेमानी, सांवर झील से उत्पन्न होने के कारण सांवर। तो यहाँ नमक अर्थ में आ रहे हैं ये सभी। कश्मीर में पैदा होने से कश्मीर यानी केसर, चीन से संबंध होने के से चीनिया, बादाम मूंगफली। सर्वप्रथम सूरत बंदरगाह पर उतारे जाने के कारण सूरती यानी सूरती इत्यादि। यहाँ पर अब हम नेक्स्ट पॉइंट में देख रहे हैं शब्दार्थ की अनिश्चितता। हर भाषा में कुछ ऐसे शब्द पाए जाते हैं जिनका अर्थ देश काल परिस्थितियों के अनुसार बदल जाता है, जैसे पाप पुण्य, अन्याय अन्याय, स्वर्ग नरक, धर्म अधर्म, उत्थान पतन, घृणा अनुकंपा, श्रद्धा इत्यादि। अब हम देखेंगे व्यंग्यात्मक प्रयोग। काव्यशास्त्र में इसी को विपरीत लक्षणा भी कहा जाता है, जिससे सर्वथा विपरीत अर्थ की प्रतीति होती है। जैसे एक अपकारी का उपकारी के रूप में वर्णन करते हुए कहा गया है, उपकृतम बहु तत्व की मुच्यते सुजनता पतिता भवता परम, विदध दीर्घ समीन सदा सखे सुखित मास तथा सरदाम शतम। इसी प्रकार कायर के लिए सिंह, लंपट के लिए ब्रह्मचारी, अनाड़ी के लिए पंडित पुंगव, दुर्जन के लिए कृपा निधान, कृपण के लिए कर्ण इत्यादि शब्दों का प्रयोग देखा जाता है। अब हम देखेंगे पुनरावृत्ति। अज्ञानवशात कभी कभी एक ही अर्थ के लिए दो दो शब्दों का प्रयोग देखा जाता है, जैसे हिमालय पर्वत, हिमालय शब्द स्वयं पर्वत का बोधक है, अतः अलग से पर्वत शब्द का प्रयोग अनुचित है। विंध्याचल, विंध्याचल पर्वत, यहाँ अचल शब्द स्वयं ही पर्वत का बोधक है। मलय, मलयगिरी, सज्जन, सज्जन यानी कि जन तो लगा हुआ है, सतजन तो जन मनुष्य लगा हुआ है, सज्जन पुरुष कहते हैं, तो ये जो बोलना है बोलते हैं तो सज्जन कह दिया तो इसका ही मतलब है कि अच्छा पुरुष। अब उसमें अलग से पुरुष लगाया तो ये अनुचित है, पुरुष का प्रयोग पुनः पुरुष का प्रयोग अनुचित है। दुर्जन आदि इसी प्रकार के शब्द हैं। अब हम देखेंगे काल भेद आदि से भी धीरे धीरे शब्दों में परिवर्तन होते देखा जाता है, जैसे सह जीतना, सहन करना इत्यादि। मृग से पशु, हिरण, गवेषणा गाय की खोज, शोध कार्य महाजन महापुरुष, व्यापारी इत्यादि अर्थ में परिवर्तन कालभेद के ही उदाहरण हैं। सुश्राव्यता, इस सुश्राव्यता या कर्णप्रियता को अंग्रेजी में यूफेमिज्म कहते हैं। इसका अर्थ है सुंदर ध्वनि, कर्ण सुखद या फिर श्रवण सुखद ध्वनि, अमंगल पर व्रीड़ा, जुगुप्सा, अंधविश्वास या निकृष्टता आदि के आधार पर इन्हें कई वर्गों में रखा जा सकता है। यहाँ इनके पाँच मुख्य भेदों पर प्रकाश डाला जा सकता है, जिसमें सबसे पहला आता है अमंगल निवारण। कभी कभी अशुभ या अमंगल सूचक शब्दों के स्थान पर शुभ तथा कर्णप्रिय शब्दों का प्रयोग होने लगता है, जैसे मृत्यु के लिए स्वर्गवास, पंचतत्व, वैकुंठ लाभ, देहावसान, ब्रह्मावगति आदि इत्यादि। वैधव्य, सिंदूर धुलना, चूड़ी टूटना इत्यादि। लाश, शव, मिट्टी, अर्थी आदि। दीपक बुझाना, दीपक बढ़ाना। अंधा यानी सूरदास, प्रज्ञा, चक्षु, काना, शुक्राचार्य इत्यादि। वीड़ा, परिहार, कभी कभी लज्जा स्पद शब्दों के बदले लक्षणागम में नए शब्दों का प्रयोग होने लगता है, जैसे मल त्याग के लिए शौच पवित्रता, मैदान जाना तो इसके लिए मूत्र त्याग के लिए लघु शंका इत्यादि के लिए जाना। अब हम देखेंगे जुगुप्सा परिहार। घृणास्पद वस्तुओं और बातों का प्रयोग अशिष्टता का बोधक होता है, अतः इस निमित्त नए शिष्ट शब्द व्यवहार में आ जाते हैं, जैसे गुप्तांगों के लिए कुछ शब्द प्रयोग कर लिए जाते हैं, दिगंबर आदि प्रयोग कर लिए जाते हैं। अब हम देखेंगे अंधविश्वास निवारण। मनुस्मृति के अनुसार आत्म नाम गुरु नाम नामाति कृपण हस्या श्रेष्ठ कम ना गृहणीयात ज्येष्ठा पत्ते कल त्रयो, अर्थात अपना नाम, गुरु का नाम, कंजूस का नाम, बड़ी संतान का नाम तथा पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए। अपना नाम, गुरु का नाम, कंजूस का नाम, बड़ी संतान का नाम तथा पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए। अतः इस अंधविश्वास के कारण निवारण हेतु भी नए नए शब्द प्रचलन में आ जाते हैं, जैसे पत्नी को आद्या कहते हैं, श्रीमती देवी इत्यादि कहते हैं, पति को आद्य पुत्र इत्यादि कहते हैं। इसी प्रकार चेचक को शीतला, माता महारानी आदि कहते हैं। निकृष्टता परिहार, निकृष्ट शब्द सुनने में बुरे लगते हैं, अतः इनके स्थान पर नए और अच्छे शब्द प्रचलन में आ जाते हैं, जैसे भंगी को जमादार कह देते हैं, चोर को तस्कर इत्यादि कह देते हैं।
नेक्स्ट हम देख रहे हैं संक्षिप्तता। प्रयत्न लाघव के कारण कभी कभी बड़े शब्दों के लिए छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग होने लगता है, जैसे राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के लिए नेट, एनईटी नेट। भारतीय जनता पार्टी को भाजपा, बीजेपी, बहुजन समाज वादी पार्टी के लिए वासपा, मोटर कार को कार, डाक ले जाने वाली मेल ट्रेन को मेल, ऑटो रिक्शा को ऑटो, बाइसिकल को बाइक, माइक्रोफोन को माइक, नेट टाई को टाई इत्यादि, नेक टाई को टाई इत्यादि। अब हम देखेंगे भ्रांति। अज्ञानता अथवा भ्रांति के कारण बहुत से शब्दों का अशुद्ध प्रयोग होने लगता है और आगे चलकर वे शब्द भाषा में अपना स्थान बना लेते हैं, जैसे अनुग्रहित के स्थान पर अनुग्रह के आधार पर अनुग्रहित, विद्वता के लिए विद्वानता, बूढ़ा के लिए बुढ़ापा इत्यादि। अब हम देख रहे हैं परिवेशगत भिन्नता। विविध परिवेशों के आधार पर शब्दों के अर्थों में परिवर्तन देखा जाता है, जैसे हिंदी में खोता का अर्थ नष्ट करने से है, जबकि पंजाबी में खोता का अर्थ गधा होता है। इसी प्रकार समाज में सामान्यतः मदर का अर्थ माता, फादर का अर्थ पिता, सिस्टर का अर्थ बहन होता है, लेकिन अस्पताल में मदर का अर्थ मैटरन या सिस्टर का अर्थ नर्स होता है। इसी प्रकार चर्च में फादर का अर्थ पादरी होता है, अतः परिवेश बदल जाने से भी शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। पदार्थगत प्रधानता में देखेंगे, कभी कभी पदार्थों में निहित किसी तत्व विशेष की प्रधानता के आधार पर भी नए शब्द प्रचलन में आ जाते हैं, जैसे सुंदर वर्ण रंग के आधार पर, सुवर्ण सोना गौरवर्ण के कारण गौरी पार्वती, कालिमा युक्त होने के कारण कृष्णा रात्रि। इसी प्रकार पुलिस के लिए लाल पगड़ी, कांग्रेसी के लिए सफ़ेद टोपी इत्यादि। अब हम देखेंगे व्यवहारिक विनम्रता। शिष्टाचार या विनम्रता ही कुलीनता का सूचक है, अतः हर व्यक्ति शिष्ट शब्दों का प्रयोग करना चाहता है। परिणामतः नए शब्द प्रचलन में आ जाते हैं, जैसे राजा को राज अधिकार, जहाँ पनाह अन्नदाता, आलम पनाह नौकर को गुलाम, तृण सेवक नाचीज किंकर किंचन अनुचर इत्यादि। बैठिए के स्थान पर पधारिए, आसन को अलंकृत कीजिए विराजी इत्यादि। इसी के साथ देखेंगे शब्दों की रूपगत विविधता। कभी कभी विकास प्रक्रिया के कारण एक शब्द अनेक रूपों में प्रचलित हो जाते हैं। इनमें तत्सम शब्द प्रायः प्राचीन अर्थ को बतलाते हैं, जबकि तद्भव शब्द उससे संबद्ध निकृष्ट अर्थ के बोधक होते हैं, जैसे कर्म कर्तव्य, काम कामधंधा, पत्र पता, पत्र पत्ता, पत्री चिट्ठी, पत्री क्षीर दूध, खीर खाद्य व्यंजन। तो इस प्रकार जो है बहुत से शब्द ऐसे होते हैं। अब हम देखेंगे व्यक्तिगत ज्ञान की विविधता। समाज में शिक्षित, अशिक्षित, दार्शनिक, साहित्यकार, वैज्ञानिक, स्वास्थ्यशास्त्री इत्यादि भिन्न भिन्न व्यक्तियों के ज्ञान का स्तर भिन्न भिन्न होता है, अतः प्रत्येक विषय का विशेषज्ञ उस विषय के पारिभाषिक शब्दों का अर्थ सूक्ष्मतापूर्ण समझता है, जबकि अन्य व्यक्ति उस शब्द के सामान्य अर्थ तक सीमित रहते हैं। अतः व्यक्ति भेद से शब्दों का अर्थगत भेद भी बहुत बढ़ जाता है। आत्मा, जीव, ब्रह्म, ईश्वर, माया, जगत, प्रकृति, पुरुष, हेतु, व्याप्ति, पक्ष, लिंग, परामर्श, हेतु आभास, हिंसा, अहिंसा, अणु, परमाणु, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इत्यादि शब्द अमूल्य रत्नवत हैं, जिनकी पहचान विषय विशेषज्ञ यानी कि जौहरी ही कर सकता है, अन्य दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। अब हम इसी के साथ देखेंगे समास। उपसर्ग एवं लिंगवत विविधता। समासयुक्त और समास रहित शब्दों के अर्थों में अंतर पाया जाता है, जैसे राजपुरुषा सिपाही, राज्ञापुरुषा राजा का कोई आदमी। इसके अतिरिक्त समासगत शब्दों का स्थान परिवर्तन कर देने से भी अर्थ परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे पतिगृह ससुराल, गृहपति गृहस्वामी, पंडित राज विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ, राज पंडित, राज दरबार का पंडित इत्यादि। उपसर्गों के प्रयोग से अर्थों में आने वाले परिवर्तन से भी बहुत सभी परिचित हैं, जैसे हाल का हार आहार, विहार उपहार, संहार प्रहार, अपहार निहार आदि। लिंग भेद भी अर्थ परिवर्तन का एक प्रमुख कारण है, जैसे कि काला ब्लैक, काली दुर्गा, कृष्ण वासुदेव, कृष्णा द्रौपदी, शैल पर्वत, शैला पार्वती, गौर गौरा, गौरी पार्वती, दक्षिण साहू, दक्षिणा दान। तो अन्य भाषाओं का प्रभाव, सांस्कृतिक आदान प्रदान के कारण अन्य भाषाओं का प्रभाव भी अर्थ परिवर्तन को बदल देता है। प्रबंध, निबंध, लेख इत्यादि, लेख आदि इजी ऐसे यानी कि ऐसे अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, परंतु अब थीसिस अर्थ में भी इनका प्रयोग होने लगा है। निबंध के लिए ऐसे बोलते हैं,
और अब इसका प्रयोग जो है थीसिस के अर्थ में भी प्रयोग होने लगा है। इसी प्रकार पहले समारोह का अर्थ चढ़ना था, परंतु अब उत्सव का अर्थ हो गया है। समाचार का तात्पर्य सम्यक आचरण से था, परंतु अब समाचार का अर्थ वार्ता न्यूज से हो गया है। लाक्षणिक प्रयोग भावों एवं विचारों की कलात्मक एवं सहज अभिव्यक्ति के लिए प्राय लक्षण शक्ति का आश्रय लिया जाता है। इसकी भाषा प्रयोग एवं रोचक एवं मधुर हो जाती है, जैसे मधुर मुस्कान, कटु आलोचना, नीरस भाषण आदि, सरस साहित्य इत्यादि। इस प्रकार कायर के लिए गीदड़, बहादुर के लिए सिंह, मूर्ख के लिए उल्लू तथा गधा का प्रयोग देखा जाता है। अन्य भाषाओं के शब्द कोई शब्द, यानी जब अन्य भाषाओं के आ जाते हैं तब देखते हैं कोई शब्द किसी एक भाषा से दूसरी भाषा में ले जाता है तो उसके मूल अर्थ या नए अर्थ में अंतर आ जाता है। जैसे संस्कृत में मृग शब्द का अर्थ पशु है, फारसी में मुर्ग का अर्थ पक्षी है, जबकि हिंदी में मुर्गा का अर्थ मुर्गा पक्षी विशेष है। सामान्य के लिए विशिष्ट प्रयोग, कभी कभी सामान्य अर्थ के लिए विशिष्ट अर्थ का प्रचलन प्रारंभ हो जाता है। जैसे तेल शब्द तिल से प्राप्त पदार्थ विशेष से था, परंतु अब जो सरसों, नारियल इत्यादि विविध पदार्थों के लिए भी तेल शब्द का प्रयोग होने लगा है। इसी प्रकार स्याही, मसी, काला शब्द काला या कालेपन का भी बोधक थी, परंतु आजकल सभी रंगों के लिए स्याही का प्रयोग होता है, जैसे लाल स्याही, हरी स्याही, नीली स्याही, पीली स्याही इत्यादि। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।